नहीं, उसके लिए डेफिनेटली मेहनत हो रही है, वो विषय आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूं। मगर ये सेमीकंडक्टर और इन्वेस्टमेंट इन सच टेक्नोलॉजीज इतना रैपिड स्पीड में भारत देश में हो रही है, जिससे सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रही है। और जो अभी यूएस में साइन हुआ कि 65,000 हमारे लोगों को इस कारण ट्रेनिंग भी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब तुरंत हमारे युवा को इन इन एरियाज में सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें भी डेटा सेंटर्स में, ग्लोबल डेटा सेंटर्स में भी ये सब काम में आएगा, तुरंत इसका असर हमारे देश में पड़ेगा। मैं नैसकॉम के एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ, सब्जेक्ट टू करेक्शन। ग्लोबली मान लीजिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स जो बड़ा बड़ा व्यवस्था है डेटा होल्डिंग का, डेटा शेयरिंग का, डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड अंशों का ऊपर, और उसको डीप डाइव करने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स बना रहे हैं पूरे दुनिया में। जहां तक मैंने सुना, अगर 100 सेंटर्स ऐसे दुनिया में सेटअप हो रही हैं, भारत में ऑलरेडी 50 हैव बीन सेटअप। आप नंबर का उदाहरण मैं सामने इसीलिए रख रही हूं, अगर पूरे दुनिया में 100 सेंटर्स रख रहे हैं, भारत में 50 सेंटर्स का ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट का काम पूरे होने के कगार में है, और जो बाकी 50 दुनिया में है उसमें काम करने वाले हमारे ही लोग जा रहे हैं। उसका असर हम थोड़ा समझना चाहिए कि इसके कारण हम विदेश में पूरे डेटा, पूरे सॉफ्टवेयर ऐसे जगह में भारत का लीडरशिप रोल और उसका असर पूरे हमारे इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहा है, इसके कारण जॉब्स में भी, इसके कारण सब सर्विसिंग सेकेंड लेयर इफेक्ट जो बोलते हैं, सब सर्विसिंग, इनका सर्विस करने वाले दूसरे का सर्विस करने वाले, ऐसे साइक्लिकली इसका असर पूरे इकोनॉमी में पड़ रही है। उसका डेटा विवरण भी आजकल नैसकॉम के द्वारा बहुत आ रही है पब्लिक में। भारत देश का लीडरशिप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज और सास, इन सभी एरिया में पूरे दुनिया में रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसका असर पॉजिटिव है इकोनॉमी के ऊपर।